कमलपुर नाम के गांव में एक नाजू नाम की लड़की रहा करती थी। उसके घर में उसकी माँ राधा और उसके पिताजी किशन रहा करते थे। उसके माँ और पिताजी ने उसका बहुत अच्छी तरह से पालन पोषण किया था। उसे किसी भी वस्तु की कमी नहीं पड़ने दी थी। उसके माँ और पिताजी बहुत मेहनती थे और इसी वजह से वो भी बहुत मेहनती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। दिन ब दिन नाजू बड़ी होने लगी। वो कॉलेज जाने लगी और कॉलेज के साथ साथ उसने केक बनाने का प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया। मगर केक बनाने के लिए लगने वाला सामान बहुत महंगा होने के कारण वो घर में केक नहीं बना पाती थी। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। उसकी शादी राहुल नाम के एक लड़के से हो गई। राहुल बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ इंसान था। उन दोनों के विचार एक दूसरे से मिलते थे और वो राहुल के साथ बहुत खुश थी। लेकिन उन दोनों को पैसों की थोड़ी कमी पड़ रही थी। ऐसे ही एक दिन नाजू ने राहुल से कहा, मैं क्या कहती हूँ राहुल, मैं भी कुछ ना कुछ करूँ। अरे नाजू, तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे क्यों पूछ रही हो? आप सच कह रहे हो? हाँ सच। मगर मुझे कुछ पैसों की जरूरत लगेगी, क्या आप दोगे? हाँ दूंगा ना, क्यों नहीं। अब दोनों सो जाते हैं। अगले ही दिन नाजू बाजार जाकर केक बनाने के लिए लगने वाला सामान लेकर आती है और एक अच्छा सा केक बनाकर उसे फ्रिज में रखती है। रात को राहुल घर आता है और फ्रिज में रखा केक देखकर कहता है, अरे नाजू, आज तो मेरा जन्मदिन नहीं और तुम्हारा भी नहीं है, फिर ये केक क्यों बनाया? अजी वो मैंने बनाया है। कैसा बना है जरा खाके तो देखो। ये इतना सुंदर केक तुमने बनाया? हाँ मैंने बनाया है, खाके तो देखो। राहुल वो केक काटकर खाके देखता है। उसे उसका टेस्ट बहुत पसंद आता है। नाजू, ये केक तो लाजवाब है, मन ही नहीं भरता, ऐसा लगता है कि खाते ही जाऊँ। सच में इतना अच्छा बना है केक? अगर तुम इसे बेचोगी तो तुम्हें इसके बहुत अच्छे दाम मिलेंगे और तुम्हारा कुछ करने का सपना भी पूरा हो जाएगा। अच्छा चलो अब खाना खा लो। नाजू और राहुल खाना खा लेते हैं और सो जाते हैं। दूसरे दिन नाजू अपने मोबाइल पे अपने केक का एक पेज बनाती है और उस पर अपने केक के एडवर्टाइजमेंट करने लगती है। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगते हैं और उसके पास कुछ ऑर्डर्स भी आने लगते हैं। उसके हाथों बनाए केक सबको पसंद आने लगते हैं। अब दिन ब दिन उसके ऑर्डर्स बढ़ने लगते हैं। राहुल मैं क्या सोच रही थी, अगर हम एक दुकान किराए पर ले और उसमें केक बेचना शुरू करे तो? हाँ क्यों नहीं, मैंने तुम्हें कभी ना कहा है क्या? राहुल एक अच्छी सी जगह पर दुकान ढूंढता है और उसे किराए पर लेकर नाजू वहाँ केक बनाना शुरू कर देती है। उसका केक बनाने का व्यवसाय अच्छी तरह से चलने लगता है। वो उसमें पूरा दिन बिजी रहती थी और उसकी कड़ी मेहनत देखकर राहुल भी बहुत खुश हुआ करता था। नाजू की दुकान के सामने ही एक हलवाई वाले की दुकान थी। नाजू की दुकान पर हुई भीड़ देखकर वो नाजू पर बहुत जलता था। ऐसे ही एक दिन एक औरत नाजू के दुकान पर आई। मुझे 40 कपकेक देना। आज एकदम से 40? क्यों, कोई बर्थडे है क्या? मेरे बेटे का आज बर्थडे है, इसलिए स्कूल में बांटने के लिए चाहिए। अरे वाह, आज आपका बर्थडे है, ये लीजिए मेरी तरफ से चॉकलेट। थैंक यू आंटी, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे डियर। वो लड़का और वो औरत कप लेकर वहाँ से चले गए। नाजू के केक कम समय में ही बहुत फेमस हो गए थे और ये देखकर वो हलवाई वाला बहुत जल रहा था। एक दिन नाजू की दुकान पर एक अमीर आदमी आया। क्या आपका ही नाम नाजू है? जी हाँ मेरा ही नाम नाजू है, क्या बात है? मेरे बेटे को आपके कपकेक बहुत पसंद आते हैं, क्या आप उसके बर्थडे के लिए 100 कपकेक बना के देंगी? जी हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर केक बना के दूंगी। आपको कौन से फ्लेवर की चाहिए? आप चाहिए तो ये केक टेस्ट करके देख सकते हैं। वो अमीर आदमी एक कपकेक खा लेता है और ये केक तो बहुत ही लाजवाब है, मुझे यही पसंद आया है। आपको किस दिन ऑर्डर चाहिए? 10 तारीख को मुझे ऑर्डर चाहिए, आज से 3 दिन बाद। जी मिल जाएगा आपको, मैं 3 बजे तक आपकी ऑर्डर तैयार रखूंगी। जी ठीक है। वो अमीर आदमी वहाँ से चला जाता है और नाजू अपने काम में व्यस्त हो जाती है। ये सब वो सामने वाला हलवाई राम देख रहा था। उसे मन ही मन बहुत जलन होने लगी। इसका कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा, मैं इसके केक से सस्ते केक बनाऊंगा। अगले दिन राम उसकी दुकान पर सस्ते केक लगाता है और एक पर एक फ्री ऐसी ऑफर भी देता है। कुछ लोग वो ऑफर देखकर वहाँ चले जाते हैं, मगर केक की टेस्ट अच्छी ना होने के कारण वो लोग वापस नाजू के शॉप में चले जाते हैं। राम से कोई केक नहीं खरीदता और इस वजह से उसके मन में नाजू के प्रति बहुत नफरत पैदा हो जाती है। दूसरे दिन नाजू दोपहर से कपकेक बनाना शुरू कर देती है और रात होने तक सारे ऑर्डर पूरे कर देती है। रात को राहुल उसे लेने दुकान पर आता है। अरे नाजू, घर नहीं चलना है क्या, क्योंकि केक ही बनाती रहोगी रात भर? नहीं जी, ऑर्डर के है इसीलिए बनाए हैं, बन गए है सारे केक। चलिए अब घर चलते हैं। चलो
राहुल और नाजू वहां से चले जाते हैं। ये सब राम एक जगह छुपकर देख रहा था। जैसे ही उसने देखा कि नाजू दुकान से चली गई है, उसने दुकान की खिड़की से झांक कर देखा। उसे नाजू के बनाए सारे कपकेक दिखाई दिए और वो मन ही मन सोचने लगा, अगर इसके सारे कपकेक खराब हो जाए तो कितना मजा आ जाएगा, और उन कपकेक की ऑर्डर मैं पूरी कर दूंगा। राम कुछ चूहों को लेता है और नाजू के दुकान के अंदर छोड़ देता है। चूहे सारे केक खराब कर देते हैं। अगले दिन सुबह ही राम अपनी दुकान खोलकर केक बनाने लगता है। जब नाजू दुकान पर आती है तो उसे ये सब देखकर जरा अजीब लगता है, क्योंकि राम कभी भी 10 बजे से पहले अपनी दुकान नहीं खोलता था। अब नाजू खुद का दुकान खोलकर देखती है। पूरी दुकान में चूहे फैल गए थे और नाजू ने मेहनत से बनाए हुए सारे कपकेक खराब हो गए थे। नाजू का पूरा शक राम पर चला गया। उसकी ऑर्डर देने में सिर्फ 3 घंटे बाकी थे और 3 घंटों में 100 कपकेक बनाना नामुमकिन था। मेरी ऑर्डर उसे मिल जाए, इसीलिए राम सुबह सुबह दुकान खोलकर केक बना रहा है। उसके दिमाग में एक ऐसी कल्पना आती है जिसके बारे में राम सोच भी नहीं सकता था। नाजू फिर से केक बनाने लगती है। अब वो एक बहुत बड़ा कीले के आकार का केक बनाने लगती है जो बच्चों को बेहद पसंद आएगा। कुछ ही समय बाद उस अमीर आदमी के घर से कुछ लोग केक की डिलीवरी लेने आते हैं। मैं उसके लिए एक स्पेशल केक बना रही हूँ, तो ये केक मैं ही लेकर आऊंगी, अब जाइए। अब राम उन आदमियों को रुकाकर बोलता है, मेरे पास उससे भी बढ़िया केक है, आप ये ले जाइए, इसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। वो लोग थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं और बाद में राम के बनाए हुए कपकेक खरीद कर अपने घर ले जाते हैं। लेकिन पार्टी में राम के बनाए हुए केक किसी को पसंद नहीं आते। ये देख वो अमीर आदमी गुस्सा हो जाता है, ये केक कहाँ से लेकर आए हो, क्या नाजुक की केक है? नहीं साहब, ये आगे की हलवाई की दुकान से ऑफर मिल रही थी, इसलिए हमने खरीद लिए। क्या तुम नाजू के शॉप में नहीं गए? उसने ऑर्डर देने से मना किया क्या? वो बोली कि आज का केक स्पेशल है, इसीलिए वो मैं ही लेकर आऊंगी। तो तुम ये क्यों लेकर आए? इसका टेस्ट कितना बकवास है। छोड़ो, मैं आज का दिन खराब नहीं करना चाहता। अब वो अमीर आदमी नाजू को फोन लगाता है, आप केक कब तक लेकर आने वाली है? बस कुछ ही देर में लेकर आऊंगी, आप चिंता मत करिए, बच्चे को केक बहुत पसंद आएगा। कुछ देर के बाद नाजू अपना बनाया हुआ कीले के आकार का विशाल केक लेकर उनके घर आती है और बच्चों के सामने उसे खोलती है। बच्चों को वो केक बहुत पसंद आता है। ये केक तो बहुत ही खूबसूरत है, इस केक को बनाने के लिए और मेरे बेटे का बर्थडे स्पेशल करने के लिए बहुत धन्यवाद जी। बच्चे को खुशी मिली, बस मैं उतने में ही खुश हूँ। ये लीजिए, हमारी ओर से आपको धन्यवाद। वो अमीर आदमी नाजू को उसके केक के दुगने पैसे देता है। ये बात राम को भी पता चलती है और वो समझ जाता है कि वो नाजू का कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धीरे धीरे नाजू बहुत अलग अलग प्रकार के केक बनाने लगी और अपने व्यवसाय को बहुत ऊंचाइयों पर ले गई। राहुल को भी अपनी हुनहार बीवी पर नाज था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों की करतूतों पर ध्यान न देते हुए अपना काम पूरी निष्ठा से करना चाहिए। शारदानगर नाम के राज्य में एक औरत रहा करती थी जिसका नाम था सीता। उसे एक बेटी थी जिसका नाम था सितारा। सितारा छोटी थी तभी उसके पिता गुजर गए थे, इसी वजह से उसकी माँ सीता उसका पूरा ख्याल रखती थी, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करती थी और इसी वजह से उसकी लड़की बहुत जिद्दी हो गई थी। उसकी माँ अगर उसे कोई काम बताए तो वो काम नहीं किया करती थी और खुद को बहुत खास समझती थी। उनके घर में एक नौकर था जिसका नाम था रघु। रघु बहुत ही ईमानदार था और बहुत सालों से उनके घर में काम कर रहा था। सितारा का स्वभाव देखकर उसे भी बहुत हैरानी होती थी। मेम साहब, आप बेबी सितारा को कुछ क्यों नहीं बोलती? अरे, उसको समझ में नहीं आता तो ठीक है, बाद में समझ आ जाएगा, हम है ना उसे संभालने के लिए। हाँ मेम साहब, वो तो है। एक दिन सीता अपने पहचान के एक लड़के से सितारा की पहचान करवा देती है। सितारा को वो लड़का बहुत पसंद आता है और वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। सीता अपने घर में एक हार ढूंढने लगती है जो उसे उसकी माँ ने शादी में दिया था। वो बहुत ढूंढती है मगर उसे वो नहीं मिलता। कहाँ गया मेरा नेकलेस? अरे हाँ, मिल गया, कितना ढूंढ रही थी। अब मैं मेरी बेटी को यही गिफ्ट उसकी शादी में दूंगी। ये बहुत अच्छा रहेगा मैडम। सीता उस नेकलेस को पॉलिश करवाने और उसपे नाम डलवाने के लिए सोनार के पास भेज देती है। रघु वो नेकलेस लेकर सोनार के दुकान में जाता है और उस नेकलेस पर सितारा का नाम डालकर लाता है। बेटी, इस शादी से तुम खुश हो ना? हाँ माँ, जिसे मैं प्यार करती हूँ उसी से मेरी शादी हो रही है। सितारा और राजवीर की शादी हो जाती है। सीता ने शादी का समारोह बहुत ही शानदार तरीके से अरेंज किया था। समारोह खत्म हो जाता है और उसकी माँ उसे एक नेकलेस देती है। नेकलेस देख के सितारा बहुत खुश हो जाती है
उसे वो बेहद पसंद आता है। माँ, ये तो बहुत ही अच्छा है, आपने इसे मेरे लिए बनवाया है। बेटा, ये हार मेरी शादी में मुझे मेरी माँ ने दिया था और आज मैं इस हार को तुझे दे रही हूँ। सितारा अपने माँ से विदा लेती है और पति के साथ शहर जाने के लिए निकलती है। अचानक तेज बारिश होने लगती है जिसकी वजह से उनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती। वो लोग एक होटल में रुक जाते हैं। उसी होटल में वो कॉफी पीने बैठते हैं। कॉफी पीते समय सितारा की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो शादी के लिबास में खड़ी है और अपने दोस्त से बात कर रही है। रोना बंद करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा, मैं कैसे अरेंज करूँ इतने सारे पैसे? कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अब मैं क्या करूँ, हम दोनों के पास भी उतने पैसे नहीं है, मेरी शादी हो पाएगी क्या? अरे तू ऐसा क्यों सोचती है, सब कुछ अच्छा होगा। सितारा ये सब सुन लेती है और उसके मन में एक विचार आता है। तभी वो एक वेटर को बुलाती है। जी मैडम। ये हार उस रोने वाली लड़की को दे दो। मैडम उनसे क्या कहूँ? उन्हें कहो कि ये आपके लिए है और आप जल्दी से शादी कर लो। अब राजवीर वहाँ आता है और सितारा को लेकर चला जाता है। सितारा जाते समय उस लड़की को देखती है जो बहुत खुश थी। उसके चेहरे की खुशी देख सितारा भी खुश हो जाती है और राजवीर के साथ चली जाती है। अब सितारा और राजवीर बहुत खुश रहने लगे। कुछ महीनों बाद उन्हें एक लड़का हुआ जिसका नाम उन्होंने सिराज रखा। सिराज बहुत ही शांत स्वभाव का था और अपने माँ बाप की सारी बातें मानता था। एक दिन अचानक शहर में भूकंप आ जाता है। सारे लोग घर छोड़कर भागने लगते हैं और राजवीर, सिराज और सितारा भी भागने लगते हैं। सितारा भागो, मैंने सिराज को उठा लिया है, तुम पीछे मत देखो। हाँ राजवीर, सिराज को अच्छी तरह से पकड़ो। अब राजवीर और सितारा एक साथ भागने लगते हैं, मगर भीड़ बहुत होने के कारण राजवीर और सितारा एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। राजवीर, सिराज, सिराज। मगर उसके चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होता और भीड़ जहाँ ले जाए वहाँ वो दोनों चले जाते हैं। सितारा बहुत रोने लगती है क्योंकि उसे उसके बेटे की याद आती है। तभी वो देखती है कि सारे लोग एक जगह पर जमा है जहाँ मुफ्त में खाना मिल रहा था। सितारा भी उसी लाइन में खड़ी हो जाती है। तभी एक बूढ़ा आदमी जो खड़ा नहीं हो पा रहा था वो भी खाने की लाइन में खड़ा रहता है। सितारा अपना खाना उसे दे देती है। बाबा, ये आप ले लो, मैं दूसरा लाती हूँ। बेटी, भगवान तुम्हें दुआ देगा। अब सितारा फिर से लाइन में खड़ी हो जाती है। उसे बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो बहुत थक गए हैं मगर भूख के कारण वहाँ खड़े नहीं हो पा रहे। सितारा मन ही मन सोचती है, मैं थोड़ी देर तक भूख सह सकती हूँ मगर ये लोग कैसे खड़े रहेंगे, मुझे इनकी मदद करनी होगी। ये सोच के सितारा वहाँ खड़े सारे बूढ़े लोगों की मदद कर देती है। जब सबकी मदद हो जाती है तब सितारा खुद के लिए खाना लेने के लिए लाइन में खड़ी होती है, लेकिन वहाँ का खाना खत्म हो जाता है और मैनेजर अपनी टीम को धन्यवाद देता है। आप सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, आप सबका बहुत बहुत आभार। ये कौन है? हमें नहीं पता, आप कौन है मैडम? मैं यहाँ खाना खाने के लिए आई थी लेकिन बूढ़े लोगों को देखकर मैंने उन्हें खाना दे दिया और मैं फिर से लाइन में खड़ी हो गई, लेकिन मेरा नसीब खराब, इसी वजह से मुझे खाना नहीं मिला। मैडम, आप थोड़ी देर यहाँ रुक सकती है? जी सर, मैं यहाँ रुकती हूँ। मैनेजर बड़े साहब से जाकर मिलता है और उन्हें सितारा के बारे में सब बताता है। साहब उसे अपने घर में बुलाते हैं। मैंने आपके दरिया दिली के किस्से सुने हैं, क्या आप मेरे बेटे को संभालोगी? आपको उसके पैसे मिलेंगे। जी साहब, जरूर करूंगी मैं ये काम। मगर एक शर्त है, तुम्हें मेरे पत्नी के कमरे के पास नहीं जाना है। जी साहब, मैं ध्यान रखूंगी। अब सितारा उस बच्चे का अच्छी तरह से ख्याल रखती है। उस बच्चे की परवरिश करते समय उसे अपने बेटे सिराज की याद आती है। ऐसे ही एक दिन सितारा और वो बच्चा एक बॉल के साथ खेल रहे थे। बच्चे का बॉल अपनी माँ के कमरे में चला गया लेकिन सितारा को वहाँ जाने की अनुमति नहीं थी, इसीलिए वो रुक गई। लेकिन वो बच्चा उस बॉल को लेकर बहुत रोने लगा और उसकी मांग करने लगा। अब सितारा के पास उस कमरे में जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। वो उस कमरे में जाती है। उसे वहाँ टेबल पर उसकी माँ ने दिया हुआ हार दिखाई देता है। वो उस हार को गौर से देखती है, उसे उस पर अपना नाम दिखाई देता है और वो वही अपनी माँ की यादों में खो जाती है। उसे अपने माँ की बहुत याद आने लगती है और वो रोने लगती है। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है, वो बहुत चौंक जाती है। तुम कौन हो? मैं यहाँ काम करती हूँ, बच्चे का बॉल यहाँ आ गया था इसलिए मैं बॉल लेने के लिए यहाँ चली आई। ठीक है, मगर तुम रो क्यों रही हो? वो मैं इस हार को देख के रोने लगी थी, इसे देखकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई थी। ये तुमने कभी किसी को दिया था क्या? हाँ मैडम, जब मेरी शादी हुई थी तो
तो मेरी माँ ने मुझे ये हार दिया था और उस पे मेरा नाम भी लिखा हुआ है। जिस होटल में हम ठहरे थे वह एक लड़की बहुत रो रही थी, मैंने उसकी मदद कर दी और उसे ये हार दे दिया था। मुझे शायद वहम हुआ है। तुम उस लड़की को जानती हो? नहीं मैडम, मैंने उसे सिर्फ एक ही बार देखा था। क्या वो चेहरा यही है? जरा गौर से देखो, आप तो उस लड़की की तरह ही दिखती हो। क्या वो आप थी? हाँ सितारा, वो मैं ही थी। तुम्हारी मदद से आज मैं यहाँ तक आ पहुँची हूँ। सितारा, तुमने मुझे वो हार दिया और मैंने वो हार गिरवी रखकर उससे हमने शादी कर ली और एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। फिर बाद में उस हार को छुड़ा कर ले आए, इसलिए तुम हमारे लिए बहुत अहम हो। आज मुझे कितने दिनों बाद अच्छा लग रहा है। सितारा, आज से हम दोनों दोस्त हैं। सितारा अब उसकी सारी कहानी सुनती है। साहब की बीवी अपने स्पेशल आदमी भेजकर सितारा के बच्चे और पति की तलाश करती है। कुछ दिनों बाद उन दोनों का पता चल जाता है और सितारा अपने पति और बेटे से मिलकर बहुत खुश हो जाती है। साहब की बीवी इनाम के तौर पर उनकी आधी जायदाद और सितारा के माँ का शादी में दिया हुआ वो हार लौटा देते हैं। अब सितारा, राजवीर और सिराज खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जरूरत के समय हमें सबकी मदद करनी चाहिए। स्वर्णपुर नाम के राज्य में बापू नाम का एक मछुआरा रहता था। वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। उसकी दो बेटियां थी, एक का नाम था संगीता और दूसरी का नाम था सारा। संगीता का स्वभाव बड़ा ही दयालु था। वो अपने पिता के सारे काम किया करती थी, मगर उसके विपरीत थी उसकी बहन सारा। उसका स्वभाव बहुत ही अलग था। वो किसी से ढंग से बात भी नहीं करती थी और खुद को बहुत ही सुंदर समझती थी। घर की पूरी जिम्मेदारी संगीता पर ही थी। सारा, जरा यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए पिताजी, जल्दी बोलिए, मुझे जरा काम है। बेटी, इस घर में सिर्फ संगीता ही काम करती है, तुम क्यों नहीं उसके काम में मदद करती? क्या ये फिजूल की बात करने के लिए आपने मुझे यहाँ पे थमा के रखा था? मैं आपको एक बात बता दूँ, ये आलतू फालतू के काम मैं नहीं करूँगी। आपको करना है तो करो, मुझे मत बताना। क्या बोल रही हो, पता है तुम्हें सारा? हाँ पता है, अब मैं बाहर जा रही हूँ। ऐसा कह के सारा बाहर चली जाती है। बापू को उसके बर्ताव का बहुत बुरा लगता है। वो अपने काम पर निकल जाते हैं। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं, मगर उसके स्वभाव में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। एक दिन उसके पिताजी बहुत बीमार हो जाते हैं और बिस्तर पकड़ लेते हैं। अब उनकी देखभाल संगीता ही करती है। बदकिस्मती से उसके पिताजी कुछ दिनों बाद गुजर जाते हैं। अब उनके घर में कमाई का कोई जरिया नहीं रहता। संगीता और सारा के खाने के भी लाले पड़ते हैं। लेकिन अब संगीता अपना दुख छोड़कर बाजार में अपने पिताजी का कारोबार चलाने लगती है। संगीता खुद ही मछली तालाब से पकड़कर लाती और बाजार में बेचा करती थी। लेकिन इस काम के बारे में उसे ज्यादा कुछ पता ना होने के कारण उसे बहुत परेशानी हो रही थी। लेकिन फिर भी वो बहुत मेहनत किया करती थी। उन दोनों का घर का गुजारा होना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसे ही एक दिन संगीता ने सारा से कहा, अरे सारा, मुझे ये मछली पकड़ने के काम में तुम्हारी मदद लगेगी, मुझे अकेले से नहीं हो पाएगा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है मुझे काम मत बताया करो, मैं तुम्हारा कोई भी काम नहीं करूंगी, तुम्हें करना है तो करो। अगर ऐसा ही रहा तो मैं क्या करूंगी, मुझे अकेले से नहीं हो पाएगा ये सब, मैं क्या करूं? ऐसा कह के संगीता बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। ये सारे लोग ऐसा समझते हैं कि मेरा जन्म काम करने के लिए हुआ है, मगर मुझे तो कोई राजकुमार लेके जाएगा और तब यही लोग मेरे हाथ पांव जोड़ेंगे। ऐसा कह के सारा अपनी खूबसूरती निहारती रहती है और खुद को बहुत महान समझने लगती है। ऐसे ही एक दिन संगीता मछलियां पकड़ने के लिए तालाब पर जाती है। बारिश होने के कारण संगीता तालाब पर जाते जाते भीग जाती है और अब ठंडी के कारण मछलियां पकड़ने में सक्षम नहीं होती। जैसे तैसे वो थोड़ी बहुत मछलियां पकड़कर उन्हें गांव में जाकर बेचती है। मछलियां बेचकर वो घर चली जाती है। उसे तेज बुखार चढ़ जाता है और वो लेट जाती है। तबीयत ठीक ना होने के कारण वो खाना नहीं बना पाती। तभी सारा उसके पास आती है और बोलती है, ए संगीता, आज क्या हुआ है तुम्हें, खाना क्यों नहीं बनाया तुमने? सारा, मुझे ठीक नहीं लग रहा इसीलिए मैंने खाना नहीं बनाया, आज के दिन तुम ही खाना बना दो। तुम क्या मुझे मूर्ख समझती हो, मैं और खाना, मैं खाना वाना नहीं बनाऊंगी, घर में कुछ फल है वो खा लूंगी, तुम तुम्हारा देख लो। अरे ऐसा मत करो सारा, कुछ तो बना दो। ऐसा कह के सारा कुछ फल खा लेती है और संगीता अकेले ही भूखी सो जाती है। अगले दिन संगीता की हालत भूख के मारे बहुत खराब हो जाती है, मगर सारा उसकी तरफ ध्यान ना देकर बाहर चली जाती है। अब संगीता लड़खड़ाते हुए उठती है और मटके में से पानी पीती है और उसी हालत में मछली पकड़ने तालाब पर जाती है। वहां जाकर अपने पिताजी की याद में वो रोने लगती है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, संगीता,
संगीता, मैं हूँ। कौन? कौन है? संगीता मैं हूँ, तालाब। तुमने मुझे देखा नहीं मगर मैं तुम्हें हर रोज देखता हूँ। क्या हुआ है, आज इतना रो रही हो? क्या तुम बोल सकते हो? हाँ मैं बोल सकता हूँ, मैं एक जादुई तालाब हूँ। क्या करूँ तालाब, ये गरीबी और मेरे बहन के स्वभाव के कारण मैं उब गई हूँ। संगीता अपनी सारी कहानी तालाब को सुनाती है। अब तालाब भी उसकी कहानी सुनकर सुन्न हो जाता है। उसकी हर रोज की मेहनत भी वो देख रहा था, इसलिए उस तालाब को उसकी दया आ जाती है और वो उसकी मदद करने के बारे में सोचता है। अब तो ऐसे लगता है कि मेरे जीवन में कुछ शेष ही नहीं है, जीने की इच्छा ही नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा। संगीता, इस पानी को हाथ में लेकर तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो, तुम्हें सब मिल जाएगा। हे जादुई तालाब, मुझे और मेरी बहन के लिए साल भर का अनाज चाहिए, क्या तुम मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हो? संगीता, तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो गई है, तुम्हारे घर पे साल भर का अनाज पहुंच गया है, अब तुम्हें और क्या चाहिए संगीता? मुझे और कुछ नहीं चाहिए जादुई तालाब, तुम हर रोज सिर्फ मुझसे ऐसे ही बातें किया करना जिससे मुझे दोस्त मिल जाएगा अपना सुख दुख बांटने के लिए। ठीक है संगीता। अब संगीता घर चली जाती है और देखती है तो उनके घर में ढेर सारा अनाज होता है। अनाज देखकर संगीता बहुत खुश हो जाती है और उस अनाज से कुछ खाना बना के खा लेती है। तभी सारा घर आती है। संगीता, ये सारा अनाज कहाँ से लाया है तुमने? जमा किए हुए पैसों से लेके आई हो क्या? संगीता अब चुपचाप खड़ी रहती है और उसकी बात को अनसुना कर देती है। अब सारा को बहुत गुस्सा आ जाता है। नहीं बताना है तो मत बताओ, मुझे क्या। सारा बड़े गुस्से से वहां से चली जाती है। सारा का ये बर्ताव देखकर संगीता बड़ी चिंतित होती है। अगले दिन संगीता तालाब के पास चली जाती है। बोलो संगीता, क्या हुआ है, आज भी बड़ी चिंता में लग रही हो? हाँ जादुई तालाब, मुझे मेरी बहन की बहुत चिंता हो रही है, मैं उसके स्वभाव का क्या करूँ, वो मुझसे ठीक से बात ही नहीं करती और खुद ही में मशगूल रहती है। हाँ पता है तुम्हारी बहन का स्वभाव, तुम ऐसा करो, तुम उससे झगड़ा करके अलग घर में रहने के लिए जाओ जिससे उसे तुम्हारी कीमत पता चले। मगर मेरे पास दूसरा घर नहीं है जिसमें मैं जाके रह सकूं। तुम जब घर पहुंचोगी तब तुम्हें तुम्हारा नया घर तुम्हारे पुराने वाले घर के पास ही मिल जाएगा, उसमें सारी सुख सुविधाएं भी होंगी जिससे तुम आराम से जीवन व्यतीत कर सकोगी। धन्यवाद तालाब। अब संगीता घर जाने के लिए निकलती है। घर पहुंचकर देखती है तो उसके घर के पास एक बहुत बड़ा आलीशान घर होता है। उस घर को देख संगीता बहुत खुश हो जाती है। वो अपने पुराने घर में जाती है और सारा को ये सब बताती है। सारा, चलो उठो, हम दोनों के लिए कुछ खाना बनाओ। क्या बोल रही हो तुम, तुम्हारी अकल ठिकाने पे है ना, मैं और खाना? हाँ तुम, और कौन है इस घर में जिससे मैं बात करूंगी? चलो आज का खाना तुम ही बनाओगी। मैं खाना नहीं बनाऊंगी। नहीं खाना बनाओगी तो इस घर से निकल जाना। मैं क्यों निकलूं? ये मेरे पिताजी का घर है, निकलना है तो तू निकल। संगीता अब उसका बर्ताव देखकर बहुत दुखी होती है और वहां से निकल जाती है। वो अपने नए घर में रहने के लिए जाती है। अब सारा अकेले ही उस घर में रहने लगती है, मगर उसे खाना बनाना ना आने के कारण उसके खाने के लाले पड़ते हैं। अब वो उदास रहने लगती है। संगीता सारा पर नजर रखे हुए थी। एक दिन संगीता खिड़की से झांक कर देखती है तो उसे सारा एक बेड पर सोई दिखाई देती है। संगीता को लगता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो जल्दबाजी में तालाब के पास चली जाती है। हे जादुई तालाब, क्या मैं मेरी बहन से मिल सकती हूँ? उसकी तबीयत खराब है, ऐसा मुझे लग रहा है। संगीता कल तक रुक जाओ, बाद में देखो तुम्हारी बहन का स्वभाव कैसे बदल जाता है। ठीक है तालाब, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो जो कठिन परिस्थितियों में भी मेरे साथ हो। दोस्त बोला है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। अब संगीता वहां से चली जाती है और अगले दिन का बेसब्री से इंतजार करती है। अगले दिन सारा जल्द ही उठकर घर का काम करते हुए दिखाई देती है। ये देखकर संगीता सोच में पड़ती है, ऐसा कैसे हुआ? संगीता अपने बगीचे में टहलने जाती है। अचानक उसे देख सारा भागती हुई आती है और, संगीता मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, मुझे माफ कर दो ना। सारा, मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया है, तुम मुझे मिल गई हो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। संगीता, तुम अब कहाँ रह रही हो? मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, अब तुम चलो अपने घर, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। चलो सारा, तुम्हें एक नया घर दिखाती हूँ जिसे देख तुम बहुत खुश हो जाओगी। अब संगीता उसे अपने नए घर में लेकर जाती है। सारा वो घर देखती ही रह जाती है। ये इतना आलीशान घर तुम्हारे पास कैसे आया? ये घर मुझे भगवान की कृपा से मिला है, अब तुम भी इस घर में रह सकती हो क्योंकि तुम मेरी बहन हो,
अब सारा और संगीता उस नए घर में खुशी खुशी रहने लगती है। संगीता तालाब के पास जाती है और उसे आवाज देती है, दोस्त दोस्त आज मैं बहुत खुश हूँ और ये खुशी मैं तुम्हारे साथ बांटना चाहती हूँ। क्या हुआ है संगीता, आज बड़ी खुश हो? हाँ दोस्त, मुझे मेरी बहन मिल गई है। उसका स्वभाव तो पूरा परिवर्तित हो गया है। अब वो मेरे साथ मेरे घर में रहती है। तालाब, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, धन्यवाद। हाँ संगीता, तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। अब तुम दोनों को अगले 8 दिनों में इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चले जाना है। क्यों तालाब, हमसे कोई गलती हुई है क्या जो हम दोनों को इस गांव से जाना पड़ेगा? जल्द ही तुम दोनों के लिए आजमगढ़ राज्य के 2 युवराज आएंगे जो तुम्हारा हाथ मांगेंगे और तुमसे शादी करेंगे। तुम यहाँ से विदा हो जाओगी। अब तुम इस गांव में सिर्फ 8 दिन की मेहमान हो। जादुई तालाब, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। तुम मुझे जब भी सच्चे मन से याद करोगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सच में तालाब? सच में। अब संगीता खुशी खुशी घर लौट जाती है और सच में 8 दिनों के बाद 2 राजकुमार घोड़े पर सवार होकर संगीता और सारा के घर के पास आते हैं। अब उस बड़े राजकुमार को संगीता बहुत पसंद आती है और दूसरे राजकुमार को सारा पसंद आती है। जी आपके घर में कोई बड़े है? मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। नहीं, हमारे घर में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है, हम दोनों बहने ही है इस पूरे घर में। आपको जो बात करनी है आप मुझसे कर सकते हो। हम दोनों यहाँ हमारी रानियों की खोज में आए थे। हम दोनों आजमगढ़ के राजकुमार हैं और हम हमारी रानियाँ खुद पसंद करते हैं। मुझे आप पसंद आई हो, क्या आप मेरी रानी बनोगी? और क्या आप मेरी रानी बनोगी? मुझे आप पसंद आई हो। हाँ। अब वो 2 राजकुमार दोनों बहनों को अपने साथ अपने राज्य में लेकर जाते हैं और वहाँ उनकी धूमधाम से शादी की जाती है। अब संगीता और सारा खुशी खुशी राजमहल में रहने लगती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कठिन समय में होश से काम लेना चाहिए, जो भी संकट आए उसका डटकर सामना करना चाहिए।